जिहड़ा शब्द मैं इसे करके सुनाउण लगा, मेरा वैद गुरु गोविंद, गुरु साडा वो वैद है, उस तरह का वैद है जिवें एक्सरे नहीं करने पैंदे सी, इदां करके लोग नाड़ी हाथ रख के अंदर दी सारी फोटो जान लेंदे सी। गुरु ग्रंथ साहब जी, गुरु गोबिंद सिंह जी इदां दे साडे वैद ने जिन्हां नूं बोल के दसण दी लोड़ नहीं है। अंतर जामी कट कट के भले बुरे की, गुरु जी साडे अंदर दियां जानण वाले हन। मेरा वैद गुरु गोविंदा की दवाई देंदा हुंदा, वैद वैद कोले पुड़ियां हुंदियां ना, पुड़ियां जिहड़े दवाई देंदे, ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उस दिन सानू ये पुड़ियां बख्शियां, ये दवाई बख्शी, हर हर नाम औखद मुख देवै, औषधि दित्ती सानू, काटै जम की फंदा, आख्या जमा दी फांसी कट्टण वाली दवाई देना अज तुहानू, तुसी छक लिया करो रोज़ खालसे दा साजना दिवस ऐसा। ते ये दवाई उहो जी आ जन्म जन्म के दुख निवारे, पिछलियां जन्मां दे दुख भी कट देण वाली, इस जन्म दे दुख भी कट देण वाली, अगां दरगाह दे विच निवास करन वाली दवाई, जन्म जन्म के दुख निवारे, सूका मन साधारे, दर्शन भेटत होत निहाला, हर का नाम विचारे, मेरा वैद गुरु गोविंदा, सरवण करो जी। मेरा वैद गुरु गोविंदा, 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 हर हर नाम औखद मुख देवै, हर हर नाम औखद मुख देवै, काट जम की फंदा, काट जम की फंदा, काट जम की फंदा, काट जम की फंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु जन्म जन्म के दुख निवारे, सूखा मन साधारे, सूखा मन साधारे, जन्म जन्म के दुख निवारे, सूखा मन साधारे, सूखा मन साधारे, दर्शन पे ते होत निहाला, हर का नाम विचारे, हर का नाम विचारे, हर का नाम विचारे, हर का नाम विचारे, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद हर हर नाम
ऐसी दवाई ऐसी औषधि जेड़ी गुरु साहब जी ने सानू बख्शी है, जे असी रोज़ वो औषधि दवाई नू लेंदे रहिए तो बीमारी नहीं हो सकते, सेफ रह सकते हैं। सत्संग जीओ, ये मैं क्यों बचन आप जी ने किया, एक शब्द की तोक है, तुध चित आए महा आनंदा जिस विसरै सो मर जाए। जे तो सानू ये याद है दवाई चेते चाहे तुरदे फिरदे असी छकते हैं
फिर तो महाराज कहिंदे महा आनंद की प्राप्ति है उस बंदे नूं। महा आनंद एक कला आनंद हुंदा है जी, एक महा आनंद। कला आनंद ते असीं कई बार रोटी ते भी ला दिंदे आ जी, बड़ा ही आनंद आया, ये कला ही आनंद है। एक महा आनंद है जिहदे वर्गा कोई होर आनंद नहीं। रोटी प्रशादे दा आनंद आ गया, कुछ समय बाद वो चले गया, असी फिर चुल्हे वल वेखण लग गए, रसोई वल वेखण लग गए। पर यह जिहड़ा नाम दा जिन्हां नूं रस आ जांदा है वह फिर होर किसी रस वाले नहीं वेखते, ये रस आवा वो रस नहीं पा। सतसंग जी तां करके सानू गुरबाणी नाल जोड़िया गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने कि जदों भी तेरा दिल करे उठ के बाणी पढ़ लिया कर, जुड़िया रहो। अगला शब्द जिहड़ा आप सरवण कर रहे हो वह शब्द है अमृत नाम निदान है मिल पीवो पाए। ये वह मर्यादा जिहड़ी हुण तुसीं जुड़े बैठे हो। इस रस नूं पीण दी थां मिल के बहना, मिल के रस लैना, इहदे नाल दा होर कोई रस नहीं है। जदों भी कदी कल्ले नाम जपीए तो मन ज़्यादा खराब करता जी कल्ले बंदे नूं। जिस तरह इंसान कल्ला होवे दुश्मन ज़्यादा होण तो ढाया ही जांदा है, तो जे आप ज़्यादा होइए तो फिर आप उन्हूं ढा लैने। जदों आप कल्ले कल्ले बहने सतसंग जी, जे गुटका हुण हत्थ 'च फड़िया हुंदा वकार पहलां अंदर बैठे हुंदे ने, पहलां अंदर ऐ चलदे ने। मैं इहदी व्याख्या एक वारी इस तरह सुनी सी, कहिंदे भी जिस तरह अपनियां हुण ते नालियां पूर दित्तियां ने ते थले थले गटर सिस्टम है, पहलां नालियां हुंदियां सी ओपन, ते नाली विच जे चिक्कड़ फस जांदा सी ते नाली विचों बदबू आउंदी सी, पर वह जरा घट आउंदी सी। जिस दिन घर वाला किते वह नाली नूं साफ करन लगदा सी ना फौड़ा मार के विचों, वह बदबू सारी गली च फैल जांदी सी। ते महापुरश विद्वाना ने इहदी इदां ही व्याख्या कीती, कहण लगे भी जदों आपां कल्ले कल्ले नाम जपण लगदे आं ते अंदर दी गंदगी नूं जिवें ही आपां छेड़दे आं ना भी इह साफ होवे, ते कहिंदे बहुती उठदी अंदरों। पाठ करदिआं बहुता कई वारी मन बुरे कम्मां वल सोचदा है, यह सच्चाई है, सब नाल यह वापरदी है, मैं भी उहदे विच आ। जदों आपां कल्ले कल्ले बह के अपने इस अंदरूनी नाली नूं साफ करन दा यतन करदे आं ते वकार बहुता तंग करदे आ, ते जदों इस तरह साध संगत दे विच बैठे होने ते ऐं आ जिवें वड्डा सारा कोई प्रैशर मार देना पिछों ते चल पी चिकड़ पासे। इत्थे बैठिया जिहदा ध्यान एक वारी जुड़ गया ना शब्द विच साध संगत जी, उहनूं इह वकार रूपी बदबू नहीं तंग करदे। कई संगतां दे विच मन जुड़ियां रूहां वेखी दियां, उह घंटियां बद्धी बैठे रहिंदे, तंग ही नहीं करदा मन। ऐ जदों तुसीं इकट्ठे नाम जपदे हो ना, ऐ जिवें इकट्ठा ही पिछों जल सुट्टता ते सारा चिक्कड़ नूं साफ कर लिया। कुछ समें लई बंदा इन्हां वकारां दे विच छुट जांदा। आओ एक बार फिर जपन का यतन करो। सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु, ध्यान दे नाल सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु, मैं तो अपनिया गुरु घर दिया मर्यादा वाल वेख के भी बड़ा खुश होना वा भी जदों कभी आप सेवा भी करते हैं ना जी,
तो कहिंदे भी मन दूजे बन्ने जावे ही ना, पर सादा वरतौन लगे भी भावें सकी भैन बैठी है, ताई बैठी है, चाची बैठी है, आपां उत्थे नहीं कहिंदे भी चाचा जी पर रोटी लै लो, भैन जी पानी लै लो, माता जी दाल लै लो ना। जिन्हां नूं मर्यादा का पता है ना लंगर वरतौन दी दा, वह भी इस तरह कहिंदे ने, पर सादा वाहिगुरू, दाला वाहिगुरू, जल वाहिगुरू, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਆਵੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਰਵੇ। ਤੋ ਇਹ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਸੀ, ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ, ਉੱਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਹੀ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ, ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ, ਸ਼ਬਦ ਅਗਲਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾ, ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁੱਖ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਛਕਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁੱਖ ਪਾਈਏ ਸਭ ਤਿੱਖਾ ਬੁਝਾਈ। ਸਰਵਣ ਕਰੋ।